शेयर बाजार में पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। कोई शेयरों को खरीद बेच कर पैसा कमाता है, तो कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए। आईपीओ तीसरा माध्यम है जिसके जरिए आप पैसा बना सकते हैं। कोई आईपीओ के लिस्टिंग गेन से पैसा बनाता है, तो कोई आईपीओ में इसलिए पैसा लगाता है जिससे उसे लंबी अवधि में मोटा रिटर्न मिल सके। अब आपको भी आईपीओ से तगड़ा रिटर्न कमाना है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। कल से यानी 5 जून से शुरू होने वाले कारोबारी सप्ताह में दो कंपनियों की आईपीओ भारतीय शेयर बाजार में दस्तक देंगे। अब एक एक कर इनके बारे में जान लीजिए। पहली कंपनी है आईक्यू लाइटिंग। आईक्यू लाइटिंग का आईपीओ 6 जून से आम निवेशकों के लिए खुल जाएगा। आप इस आईपीओ में 6 जून से लेकर 8 जून तक पैसा लगा सकते हैं, यानी आपके पास इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए 3 दिन का समय होगा। आईक्यू लाइटिंग का आईपीओ 607 करोड़ रुपए का है। ये आईपीओ 350 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयरों के साथ बाजार में आएगा और इसमें 90 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स के द्वारा बेचे जाएंगे। आईक्यू लाइटिंग के आईपीओ का प्राइस बैंड 270 से 285 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। बता दें, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इसकी बोली की प्रक्रिया 5 जून से ही ओपन हो जाएगी। आईक्यू लाइटिंग के आईपीओ का लॉट साइज 52 शेयरों का होगा और रिटेल इन्वेस्टर्स अधिकतम 13 लॉट के लिए शेयरों की बोली लगा सकते हैं। अब आईक्यू लाइटिंग का आईपीओ कब बाजार में आएगा, यानी लिस्ट कब होगा, ये जान लीजिए। आईक्यू लाइटिंग के शेयरों का अलॉटमेंट 13 जून को होने की उम्मीद है और इसके बाद 16 जून को बीएसई और एनएसई पर शेयरों की लिस्टिंग होने की उम्मीद है। अब आइए दूसरे कंपनी पर। दूसरी कंपनी जिसका आईपीओ 7 जून से आ रहा है, उसका नाम सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आईपीओ 7 जून 2023 को खुलेगा और 9 जून 2023 को बंद हो जाएगा। यानी इस आईपीओ में भी आपको पैसा लगाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय मिलेगा। सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की आईपीओ में 9.44 लाख शेयरों का फ्रेश इशू लाया जा रहा है और इसके प्रत्येक शेयर की कीमत 30 रुपए की होगी। सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के आईपीओ का लॉट साइज 4000 शेयरों का है और इसके जरिए रिटेल निवेशक 1.20 लाख रुपए का कुल निवेश कर पाएंगे। इस कंपनी के आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट 14 जून को हो जाएगा और शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर 19 जून को होने की उम्मीद है। तो अगर आपको भी इन आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं।